कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सफाई कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में बैठे आम आदमी पार्टी के नेता जिला अध्यक्ष जवाहर गोयल और युवा अध्यक्ष सुमित हिंदुस्तानी को हरियाणा पुलिस ने धरने से गिरफ्तार कर लिया था, परंतु सरकार ने विवेक से कार्य लिया और दोनों नेताओं को रिहा कर दिया। पार्टी के उत्तरी जोन के अध्यक्ष डॉक्टर बीके कौशिक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने पिछले दिनों जिन कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर कोरोना योद्धाओं के नाम से संबोधित किया और फूलों की वर्षा की थी, उन्हीं को गत दिनों सेवा मुक्त करके अपनी कथनी और करनी में अंतर दर्शाया। कुरुक्षेत्र से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर बीके कौशिक, अध्यक्ष उत्तरी जोन हरियाणा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो कर्मचारी हटाए गए थे उनके समर्थन में हमारे दो नेता जिला अध्यक्ष माननीय श्री जवाहर गोयल जी और युवा अध्यक्ष सुमित हिंदुस्तानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो जायज कार्य के लिए धरने पर बैठे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा हुआ था, परंतु पुलिस ने फिर भी उनको गिरफ्तार किया और लगभग 12 घंटे तक उनको पुलिस हिरासत में रखा और उसके बाद रात को ठीक 8:30 बजे करीब उनको छोड़ दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिन कोरोना वॉरियर्स का नाम देकर कर्मचारियों को पुष्पों की वर्षा की गई थी उन कर्मचारियों को उठाया गया। आम आदमी पार्टी इस बात से दुखी है कि इस क्राइसिस के अंदर उन कर्मचारियों को उठाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे दोनों क्रांतिकारी नेताओं ने ठीक प्रश्न को उठाया था। गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने छोड़ा, इसके लिए हम उसे साफ जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि एक प्रकार से विवेकशीलता से काम लिया। जिस प्रकार की क्राइसिस से पूरा विश्व गुजर रहा है उस क्राइसिस के अंदर हमें सामूहिकता का परिचय देना चाहिए, परंतु जायज मांगों के लिए ठीक ढंग से हमें अपनी मांग को उठाना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पार्टी ने कल अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि यदि पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ा गया तो हम कुरुक्षेत्र में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। तो हम अपना इस प्रकार का जो प्रस्ताव था इसको वापस लेते हैं और उसे जो उनके अध्यक्ष के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि इस बुरे वक्त में कर्मचारियों का साथ दें और आम आदमी पार्टी ये विश्वास दिलाना चाहती है एक सशक्त विपक्ष के रूप में कार्य करती रहेगी और लोकतंत्र के अंदर हम मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता और हम हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। और मैं साफ जवाब देना चाहता हूँ, श्री नेतृत्व ने भी यह आदेश दिया है कि जिस प्रकार से जवाहर गोयल जी और सुमित हिंदुस्तानी ने साहस का परिचय दिया और कर्मचारी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए गिरफ्तारी दी, इसी प्रकार से हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से हर बात का ध्यान रखते हुए करते रहेंगे। जय भारत, जय हिंद।